आईएपी आगरा ब्रांच को उत्तराखंड के रामनगर में हुई पैडीकॉन 2023 में 9 अवार्ड मिले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में आगरा के आईएपी आगरा को बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया है। यूपी आईएपी की वार्षिक कॉन्फ्रेंस यूपी पैडीकॉन 2023 का आयोजन 18 और 19 अक्टूबर को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुआ। आईएपी आगरा के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण जैन एवं सचिव डॉक्टर योगेश दीक्षित ने बताया कि आईएपी आगरा को 9 अवार्ड प्राप्त हुए, जिसमें द्वितीय बेस्ट ब्रांच का अवार्ड शामिल है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश शिशु अकादमी का 44वां वार्षिक अधिवेशन हुआ था, 44th एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें आगरा की ब्रांच को विभिन्न कार्यक्रमों के तहत कई अवार्ड प्राप्त हुए हैं। ये आगरा के लिए गौरवान्वित होने का ये समय है आईएपी आगरा का, क्योंकि किसी भी कार्य को अगर हम लोग करते हैं, कोई भी संस्था अगर कोई कार्य करती है और उसको सराहा जाता है तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। और इसी क्रम के अंदर जो यूपी पैडीकॉन हुई है अभी जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर, उसके अंदर पूरे यूपी के पीडियाट्रिशियंस ने शिरकत की और वहाँ पर हमारे आईएपी आगरा की ब्रांच को 9 अवार्ड्स मिले, जो कि एक रिकॉर्ड है अब तक का। आईएपी आगरा के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण जैन को बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड प्राप्त हुआ और इस वर्ष हुए उत्तर प्रदेश के भारतीय शिशु अकादमी के प्रादेशिक चुनावों में उपाध्यक्ष पद के लिए चुने गए। इस वर्ष जो है मुरादाबाद एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 44वीं यूपी पैडीकॉन का आयोजन किया था और उसमें पूरे उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारे पीडियाट्रिशियंस वहाँ गए थे और वहाँ पे प्रदेश देश के विभिन्न विभिन्न कोनों से व्याख्यान देने के लिए जो डॉक्टर्स वहाँ आए थे। मुरादाबाद एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स द्वारा यूपी की पैडीकॉन जो वार्षिक अधिवेशन होता है वो किया गया जिम कॉर्बेट पार्क में, और आईएपी का इसमें बहुत ही अच्छा योगदान था और इसके तहत आईएपी आगरा को 9 अवार्ड मिले और बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड मुझे मिला। यूपी पैडीकॉन का आयोजन जिम कॉर्बेट में हुआ था, वहाँ सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आगरा के आईएपी और आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसमें आगरा के लिए बड़े गौरव की बात है कि इतने सारे प्राइज मिले और सारे फैकल्टी, मतलब ऐसा ही कोई शहर होगा जिसमें इतने ज़्यादा फैकल्टी किसी कॉन्फ्रेंस में हों। डॉक्टर आर एन द्विवेदी, डॉक्टर राजीव कृषक, डॉक्टर संजय सक्सेना को कार्यकारिणी सदस्य के लिए चुना गया है। ये आगरा आईएपी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। ये बहुत ही गौरव की बात है आईएपी आगरा के लिए कि इतने अवार्ड्स मिले हैं, तो ये हमारे जो कर्मठ सदस्य हैं उनके कर्मठ कार्य करने की वजह से ये मिला है। जैसा कि सभी लोगों ने बताया, आईएपी आगरा को मुरादाबाद ब्रांच द्वारा आयोजित यूपी पैडीकॉन में विभिन्न क्षेत्रों में 9 अवार्ड मिले हैं, जो कि बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि हमारी आईएपी आगरा ब्रांच, जो कि हमेशा से कुछ न कुछ अवार्ड्स लाती रही है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ अवार्ड उन्होंने प्राप्त किए हैं और एक तरह से अवार्ड्स की बौछार हुई है। कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर एन सी प्रजापति, डॉक्टर राकेश भाटिया, डॉक्टर आर एन शर्मा, डॉक्टर आर एन द्विवेदी, डॉक्टर नीरज यादव, डॉक्टर मनोज जैन, डॉक्टर योगेश दीक्षित, डॉक्टर पंकज कुमार ने साइंटिफिक सत्र में भाग लिया। अवार्ड्स निम्न कैटेगरी में दिया गया: एंटी माइक्रोबल वीक, वर्ल्ड ऑटिज्म डे, BLS एक्टिविटी, वर्ल्ड ओबेसिटी डे, ORS वीक, एडोलेसेंट वीक, न्यूरोपेडिकॉन। इस अभूतपूर्व सफलता में सभी सदस्यों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम में अध्यक्ष डॉक्टर अरुण जैन, सचिव डॉक्टर योगेश दीक्षित, डॉक्टर प्रदीप चावलास, डॉक्टर आर एन शर्मा, डॉक्टर आर एन द्विवेदी, डॉक्टर मुकेश भारद्वाज, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, डॉक्टर नीरज यादव, डॉक्टर मनोज जैन कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।